अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम आपका काश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज आपकी नज़रों के सामने ये आडियान एक वूफर स्पीकर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें बिल्कुल जो है अभी आउटपुट इसमें कोई नहीं आ रही, और अगर आउटपुट हो और बहुत ज़्यादा हमिंग हो, बहुत ज़्यादा शोर हो, तो उसका क्या सलूशन है? उसकी आईसी ख़राब हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम है? तो ये सारा कुछ इस वीडियो में नाज़रीन आपको बताऊँगा। ऑन स्क्रीन अभी आपको चेक करवाऊँगा कि असल में इसको मसला क्या है। तो यहाँ पे ये नाज़रीन ये जो आउट स्पीकर हैं इस पे मैंने ये लगाया है, और अभी इसको कनेक्शन दे के अपने स्पीकर के साथ यहाँ पे अभी मैं आपको चेक करवाऊँगा कि आया कि हमारा ये प्रॉब्लम जो है ये इसका मसला आईसी का है या कोई और मसला है। तो यहाँ पे इस तरह लगा के आपने चेक कर लेना है, और जिस आईसी पे अभी हमिंग हो आपने सबसे पहले ओपन कर लेनी है दोनों आईसी वूफर की। अगर फिर भी हमिंग ना जा रही हो तो फिर आपने उसका क्या करना है, ये नहीं थी सिंपल सलूशन है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने इसको ओपन करके अपने घर में भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। तो नाज़रीन हमारी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो जो है बरवक्त पहुँचें। तो यहाँ पर ये नाज़रीन मैंने इसकी आई सी जो हैं वो ओपन की हुई थी, लेकिन यहाँ पर दोबारा भी मैं इसको कनेक्शन लगा रहा हूँ, और इसका कनेक्शन लगाने के बाद दोबारा जो आपको चेक करवाऊंगा कि इसमें असल प्रॉब्लम जो है वो है क्या। तो यहाँ पे ये मैंने लगा दी है, और आपने एक ध्यान रखना है कि इसका जो कनेक्शन है आपस में वो टच ना हो, ये आपने नहायत ही एहतियात करनी है। और बाकी इंशाल्लाह जो है ऑन स्क्रीन में भी आपको ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर ये फॉल्ट हमारा नाज़रीन ये आई सी लगाने के बावजूद जो है फिर भी वही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई का जो कैपेसिटर है ये रीसोल्ड इसको करना है, इसको ये मांगता है रीसोल्डिंग। आप देख लें यहाँ पे ये बिल्कुल लूज़ था, तो ये वजह भी हो सकती है, और उसके बाद और जो है किसी आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पे मैंने इसको रीसोल्ड कर दिया है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी आउटपुट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, हमिंग वगैरह जो है इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो ये हमारा मामला जो है आडियान वूफर स्पीकर का ये यहाँ पे हल हो चुका है। अगर आपको इसी किस्म का भी मसला दरपेश आ रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल जो है अपने कैपेसिटर मेन कैपेसिटर जो हैं वो आपने चेक कर लेने हैं, जो इनपुट पे लगे हुए हैं, जो सप्लाई पे लगे हुए हैं और जो आउटपुट पे लगे हुए हैं उनको भी आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ पर अभी मैं ऑन स्क्रीन जो है आपको लगा के वो कैपेसिटर को जो है उनको मैंने सोल्ड कर दिया है, और अभी लगा के मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जी वीडियो, आज की जी कावज पसंद आएगी, और हमारा फर्दर डिटेल के लिए हमारा नंबर है 03453958708, और हमारा इंस्टाग्राम है मोहम्मद शफीक PK665। तो इन पे नाज़रीन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।